सीक्वेंशियल सर्किट, जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो डिजिटल सर्किट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, एक सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट अपन पढ़ चुके हैं, वहाँ पे अपन ने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी देखा था कि कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंस सर्किट कैसे होता है। तो यहाँ पे दोबारा से अपन देखते हैं कि सीक्वेंस सर्किट फॉर्मली कैसे होते हैं। अपन ने बताया था कि जो सीक्वेंस सर्किट है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ इसमें एक मेमोरी एलिमेंट लगा होता है। जैसे कि अपन बात करें, मान लो ये अपना कोई सीक्वेंशियल सर्किट है, यहाँ पे मान लो अपने पास में इनपुट है, ये दो कोई भी इनपुट है या फिर कोई इनपुट की एक बस बार है, कितने भी नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं, और ये यहाँ पे इसके आउटपुट्स हैं। तो अपन ने क्या कहा था कि जो ये जो इनपुट जो इस सर्किट का जो ऑपरेशन है ये इस इनपुट पे तो डिपेंड करता ही करता है, ये प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है कि ये जो प्रीवियस आउटपुट है जो सर्किट के, ये किसी मेमोरी एलिमेंट के थ्रू, किसी भी मेमोरी एलिमेंट के थ्रू वापस से सर्किट में अपने जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट्स है और ये जो इनपुट है, तो यानी कि ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट की जो वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट्स। यानी कि इस आउटपुट की जो अभी जैसे कि अपने को इस आउटपुट की करंट वैल्यू पता करनी है, तो ये जो करंट वैल्यू है वो करंट जो इनपुट है वो, और जो प्रीवियस जो आउटपुट था यानी कि इससे पहले इसका आउटपुट क्या था उस पर डिपेंड करेगी। तो ऑब्वियस बात है, अपने को आउटपुट यदि प्रीवियस उस पर डिपेंड कर रहा है तो अपने को आउटपुट की वैल्यू को होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि आउटपुट की वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा, और आउटपुट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपने को मेमोरी चाहिए होती है। तो यानी कि कॉम्बिनेशनल जो सॉरी सीक्वेंशियल जो सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि किसी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके साथ में मेमोरी। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी मिलकर क्या बनाते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं। यदि अपन सीक्वेंशियल सर्किट्स के एग्जांपल देखें तो जैसे कि अपन बात करते हैं लैच है, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, लैचेज हैं, लैचेज से मिलकर ही अपना फ्लिप फ्लॉप बनता है बेसिकली। तो अपन बात कहते हैं फ्लिप फ्लॉप एक तरीके से अपना सीक्वेंशियल सर्किट है, फिर अपने काउंटर है, अपने रजिस्टर्स हैं और एंड सो शिफ्ट रजिस्टर वगैरह बहुत सारे, तो ये सारे जो है ये सीक्वेंशियल सर्किट है। अब सीक्वेंस सर्किट का जो अपन ने सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट देखा वो है कि वो है अभी मेमोरी एलिमेंट। तो अपन ने अभी तक देखा कॉम्बिनेशन सर्किट कैसे काम करते हैं, जैसे कि अपन ने देखा था हाफ एडर है, जैसे कि अपन ने बोला था मेरा ये हाफ एडर का एक सर्किट है, इसमें एक इनपुट था, ये दूसरा इनपुट था, ये बिट वाइज ऑपरेशन हो रहा था, इसका सम आ रहा था, ये इसका कैरी आ रहा था। तो अपने को पता था सम की जो वैल्यू है वो करंट जो इनपुट है ए और बी उसी पर डिपेंड कर रही थी। जो करंट जो इनपुट है जैसे कि 0 0 तो मेरा सम 0 होगा, कैरी 0 होएगी, उसका प्रीवियस आउटपुट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब जो सीक्वेंस सर्किट है उसमें उसको प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड कर रही है वैल्यू। तो अब प्रीवियस आउटपुट जो है इसको अपने को होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड के लिए अपने को मेमोरी चाहिए होती है। तो ये जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी अपने डिजिटल सर्किट में बहुत काम में आती है, सीक्वेंस सर्किट में बहुत काम में आती है। तो अब अपन देखते हैं कि ये मेमोरी कैसे बनी होती है, मेमोरी कैसे ऑपरेशन करती है, कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, तो मेमोरी का सिंपल सा मतलब है कि स्टोर करना, वैल्यू को स्टोर करना, यानी कि जब तक मैं चाहूँ उस मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर रहनी चाहिए, कोई भी वैल्यू स्टोर रहनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो अपन कोई बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एक बिट को मेरे को स्टोर करना, यानी कि कोई भी मेरा एक सर्किट होगा, कोई मेमोरी सर्किट होगा, जैसे कि ये कोई ब्लैक बॉक्स है, इसमें यदि मैं एक बिट की बात करूँ, यदि एक बिट को मेरे को स्टोर करना, यानी कि या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 1 होगी, जब तक कि मैं चाहूँ, समझे, मेमोरी का मतलब जब तक कि मैं इसमें स्टोर कराना चाहूँ वैल्यू, तो इसकी वैल्यू वही रहे। तो यदि अपन एक बिट वाइज मेमोरी एलिमेंट यदि अपन देखते हैं कैसे काम करता है, तो फिर अपन जितने भी है जितने नंबर का बिट्स का अपने को एलिमेंट चाहिए वो अपन ले लेंगे, कि जैसे कि 8 बिट का है या फिर 16 बिट का है अपना, वो भी बन जाएगा। तो वो सब बस अपने को रिप्लीकेट करना है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एक बिट का मेमोरी एलिमेंट क्या होता है। तो एक बिट का जो मेरा मेमोरी एलिमेंट होता है उसको मैं बोलता हूँ लैच। सो ये सबसे बेसिक बेसिक मेमोरी एलिमेंट है। ये कैसे काम करता है, कैसे वास्तव में एक जो है लॉजिक गेट किया है उसे अपन कैसे मेमोरी को अपन स्टोर करवा सकते हैं, तो एक बेसिक ऑपरेशन बताता हूँ अपन को। देखते हैं कि जैसे ही सपोज करो आपके पास में एक मेरे पास में ये एक नोट गेट है और ये एक मेरे पास में दूसरा नोट गेट है। सपोज करो ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है और मैं यहाँ से वापस इसको फीडबैक दे रहा हूँ। तो सपोज करो यदि मेरा यहाँ पे मेरा 0 है, तो यहाँ मेरा आउटपुट क्या है 1 है, यहाँ मेरा आउटपुट क्या है 0, ये वापस 0 इधर जाएगा 1 0। तो इस सर्किट को मैं ढंग से देखूँ कि जब तक मैं मेरा ये इनपुट चेंज नहीं करूँ तब तक मेरा आउटपुट क्या है सेम ही रहेगा। समझ रहे बात को, कि जैसे कि यहाँ पे 0 है तो इसका आउटपुट 1, 1 का आउटपुट 0, यानी कि जो मेरा इनपुट है वही मेरा आउटपुट है। जैसे ही मैं इस इनपुट को चेंज करके 1 करूँगा ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी कि जब तक मैं चाहूँ तब तक मेरा ये जो पूरा सर्किट है, ये पूरा ऐसा सर्किट एज ए मेमोरी एलिमेंट काम कर सकता है, कि यदि मैंने 0 दिया तो आउटपुट मेरा 0 आएगा, यदि मैंने मेरा इनपुट 1 दिया तो आउटपुट मेरा 1 आएगा। कब तक, जब तक कि मैं इनपुट को चेंज नहीं करता। तो ये एक एज ए ये फाउंडेशन है अपनी, कि एक अपन मेमोरी एलिमेंट कैसे बनाएंगे।
तो इससे आगे अपन एडवांस होके चलते हैं तो थोड़ा सा अपना लैच सर्किट आता है, लैच से फिर आगे मिलके फ्लिप फ्लॉप बने होते हैं, फिर अपने क्लॉक का कॉन्सेप्ट होता है। क्लॉक अपन वैसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से तुम्हें बता देता हूँ क्लॉक का मतलब क्या होता है। ये क्लॉक क्या है, एक ट्रेन होती है पल्स की, क्लॉक जो होता है ट्रेन प्लस होती है, उसमें क्या होता है एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए हाई होती है और लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए ऑफ होती है। तो ये एज ए पल्स बनाती है, वैल्यू वन है, ये जीरो है, वन है, जीरो है, ऐसे ही हो ये वैल्यूज बनती है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, हर एक क्लॉक का क्लॉक पीरियड होता है, क्लॉक पीरियड से क्लॉक डिफाइन होती है, क्लॉक पीरियड का ड्यूटी साइकिल होता है, कितने देर के लिए वो ऑन रही, कितनी देर के लिए ऑफ रही, ये अपन सब पढ़ चुके हैं। फिर भी अपन ऑफिस देखेंगे एक बार क्लॉक कैसे करते हैं। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले ये लैच कैसे बनती है। तो ये अपन ने बेसिक मेमोरी एलिमेंट देखा कि कोई भी मेमोरी कैसे बन सकती है, ये इसका अपन एग्जाम्पल देखा कि दो नॉट गेट की हेल्प से अपन कैसे एक एक बिट को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी अपन इसको थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक देखेंगे कि ये कैसे अपन इसको रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब एक जैसे ये बिट स्टोर है तो इस बिट को अपन कैसे रीड कर सकते हैं, या फिर इस बिट का स्टेटस कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर इसकी कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं, वो आगे सब जो है जो अपन एडवांस सर्किट देखते हैं, जैसे लैच देखते हैं या फ्लिप फ्लॉप देखते हैं, उसमें अपने को पता पड़ेगा। तो अब अपन देखते हैं कि लैच कि अपनी की लैच कैसे काम करती है ना। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यदि अपन टू स्टेज में यदि अपन इन्वर्टर काम में ले तो अपन मेमोरी एलिमेंट उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसआर लैच की। किसकी बात करते हैं? एसआर लैच की, कि ये एसआर लैच जो है वो कैसे काम करती है और ये एसआर लैच कैसे अपना मेमोरी एलिमेंट का काम कर सकती है। तो इस जो एसआर लैच है, इस एसआर लैच का जो सर्किट होता है, इसमें दो नोर गेट लगे होते हैं। वैसे दो टाइप की होती है ये नोर गेट, नोर बेस भी होती है और नैंड बेस भी होती है। तो अभी अपन मैं जो तुमको एक्सप्लेन करूँगा वो नोर बेस करूँगा कि नोर बेस एसआर लैच कैसे काम करेगी। तो नोर बेस एसआर लैच में क्या होता है, दो तुम्हारे नोर गेट होते हैं और ये दूसरा तुम्हारा गेट है, ये यहाँ से अपन आउटपुट लेके वापस यहाँ देते हैं और यहाँ से जो है आउटपुट लेके अपन वापस यहाँ देते हैं। इसको मैं आउटपुट को मैं नाम देता हूँ क्यू, इस आउटपुट को मैं नाम देता हूँ क्यू बार, और इस इनपुट को मैं नाम देता हूँ आर, इस इनपुट को नाम देता हूँ एस। ये एस और आर क्या है, ये कुछ नहीं है, एस को अपन सेट बोलते हैं, आर को अपन क्या बोलते हैं, रीसेट बोलते हैं। तो ये जो है ये सर्किट है मेरा, ये सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दो नोर गेट जुड़े हैं, एक नोर गेट का आउटपुट अपने दूसरे नोर गेट में दिया हुआ है और यहाँ से अपन इस नोर गेट का आउटपुट अपने दूसरे पहले वाले नोर गेट के इनपुट में दिया हुआ है। अब ये सर्किट कैसे काम करेगा, सबसे पहले अपन देखते हैं नोर गेट। नोर गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, नोर गेट की ट्रुथ टेबल अपने देखें तो क्या होती है, मान लो कोई दो इनपुट का नोर गेट है ए और बी, और यदि उसका आउटपुट है कोई वाई, यदि दोनों इनपुट 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, तो अपने को पता है यदि नोर गेट के दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो आउटपुट मेरा 1 आता है और बाकी सभी केसेस में आउटपुट मेरा क्या 0 आता है। यानी कि इरेस्पेक्टिव यदि अपना नॉर गेट का यदि ऑपरेशन अपन ढंग से परफॉर्म देखें कि यदि अपना एक इनपुट मेरा यदि 1 है तो उस केस में मेरा आउटपुट हमेशा 0 होगा। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये मैंने तुमको पहले बताया था जब अपन लॉजिक गेट पढ़े थे, फिर बताता हूँ कि जब भी अपना नॉर गेट है यदि नॉर गेट का मेरा एक इनपुट जो है वो 1 है तो आउटपुट मेरा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। इसी के बेस पर अपन इसकी फंक्शनिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम आगे देखते हैं कि ये सर्किट कैसे मेमोरी की तरह काम करेगा ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरे केस वन की। केस वन क्या, अपन मान के चलते हैं कि मेरा जो एस है वो मेरा क्या है, 0 है, और आर जो मेरा है वो क्या है, 1 है। यदि ऐसा मैं मान के चलूँ कि एस है, एस जो है मेरा 0 है, आर मेरा 1 है, है ना, तो इससे क्या होगा देखो। तो ये यदि मैं इस पर देखूँ सबसे पहले, ये सपोज मेरा 1 नॉट गेट है, मेरा 2 गेट है, ऐसे ही नंबरिंग कर दी अपन ने गेट की, ये नॉर गेट 1 है, नॉर गेट 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यदि मैं इस इनपुट पे देखूं, इस गेट पे देखूं तो मैंने क्या कर रखा है, आर क्या कर रखा है, 1 कर रखा है। अब यहाँ से ढंग से देखोगे, जब भी मेरा यदि कोई नोर गेट है, उस नोर गेट में यदि मेरा एक इनपुट 1 है तो आउटपुट इररेस्पेक्टिव हो दूसरा इनपुट कुछ भी हो, मेरा आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि इस 1 गेट का आउटपुट मेरा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि यदि आर इक्वल टू 1 है तो मेरा ये क्या दिखाता है, क्यू इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये क्यू 0 है तो ये क्यू 0 यहाँ जाएगा और एस मेरा क्या है, 0 है। तो यदि मेरा इनपुट 0 0 मेरा आउटपुट क्या होता है, क्यू क्या होता है, 1 होता है, तो मेरा क्यू बार क्या आ जाएगा, 1। तो अब इसको ढंग से देखें कि मेरा जो क्यू आया था वो 0 आया है, क्यू बार मेरा क्या है, 1 आया। तो यानी कि इस सर्किट में हमेशा जो क्यू है और क्यू बार आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब यदि ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होंगे, ठीक है। ये बेसिक ऑपरेशन अपने को समझ में आ गया कि यदि मेरा एस 0 है, आर 1 है, इसमें पहले गेट पे यदि मैंने इनपुट 1 दिया है, यानी कि एक इनपुट मेरा 1 है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ दूसरे इनपुट, यानी दूसरा इनपुट चाहे मेरा कुछ भी हो, ये मेरा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये अपन ने यहाँ से बात देखी, फिर ये 0 क्यू बराबर 0 यहाँ जाएगा और एस मेरा क्या है, 0 है, ये इनपुट यदि मैं 0 0 देता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आता है, 1। तो मेरा क्यू क्या आ गया, 0, और क्यू बार क्या आ गया, 1। अब ये मेमोरी कैसे रिसेट करता है, सपोज करो इसमें मेमोरी कैसे होती है, ये तो अभी अपने इनपुट दे रखा है इसलिए मेरा आउटपुट आ रहा है। सपोज करो मैंने
इनपुट हटा दिया। इनपुट हटाने का मतलब क्या हो गया, अब मैंने एस को जीरो कर दिया और आर को मैंने क्या कर दिया, जीरो, यानी कि मैंने इनपुट हटा दिए। तो जैसे ही मैंने इनपुट हटाए तो क्या हुआ, देखो तो इस गेट पे देखो, जैसे ही मैंने इनपुट हटाया तो इस गेट पे क्या है, मेरा क्यू बार पहले क्या था, वन था, तो यहाँ पे वन और आर अब क्या है, जीरो। तो वन और जीरो जब मेरा इनपुट होता तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, क्यू क्या आएगा, जीरो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखो वन इनपुट है, यहाँ पे क्यू बार क्या था, वन था, क्यू बार वन था, और अब मेरा आर क्या है, जीरो। तो आर जीरो और क्यू बार जीरो, जीरो जीरो, मेरा आउटपुट क्या आएगा, वन। तो मेरा क्यू क्यू बराबर मेरा आउटपुट क्या आ गया, सॉरी गलत बोल दिया, थोड़ा सा वापस से देखते हैं कि यदि जो आर बराबर मेरा क्या जीरो है और क्यू बार मेरा क्या वन है, तो जीरो और वन, यदि मेरा इनपुट जीरो है और वन है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, जीरो। तो क्यू क्या आ गया, जीरो। ऐसे ही अब मेरा यदि क्यू बार में देखूँ तो क्यू मेरा पहले क्या था, जीरो, और एस मेरा अब क्या है, जीरो। तो जीरो और जीरो यानी कि मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, वन। तो क्यू क्या आ जाएगा, क्यू बार मेरा क्या जाएगा, वन। तो यानी कि इसको और मैं इसको ढंग से देखूँ कि जब मैंने पहले इनपुट दिया था तब मेरे स्टेट क्या थी, क्यू जीरो था और क्यू बार वन था। अब मैंने जैसे ही मैथ मेरे से इनपुट हटा दिए, तो इनपुट हटाते थे मेरा क्या हुआ, इनपुट मैंने हटा भी दिए तब भी मेरा क्यू बराबर जीरो है, क्यू बराबर क्या वन है, यानी कि ये मेरी जो स्टेट है वो सेम स्टेट आ रही, यानी कि मेरी जो स्टेट है वो मेमोराइज हो गई। मेमोराइज हो गई मतलब मेरा मेमोरी एलिमेंट बन गया। आया समझ में, कैसे अपना जो एस आर लैच में यदि अपन कैसे मेमोरी, मतलब कैसे सर्किट है जो किसी बिट को होल्ड करता है। देख रहे हो ये क्यू पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो है, तो यानी कि ये इस बिट को होल्ड कर रहा है। तो ये इसका नाम ऐसे अपना लैच पड़ा। लैच मतलब क्या होता है, लैच मतलब क्या होता है, जो अपना दरवाजा होता है, दरवाजे की कुंडी होती है, इसको अपन लैच बोलते हैं। तो कुंडी लगाते ही क्या होता है कि मतलब अंदर का आदमी अंदर, बाहर मतलब बाहर कोई नहीं जाएगा। तो कुछ कुछ वैसा ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है कि जैसे ही अपन ने कोई इसमें इनपुट दिया वन, और अपन ने कुछ स्पेसिफिक इनपुट दिया, तो ये क्या कर रहा है, उस बिट को होल्ड कर रहा है। ये सर्किट जो क्या कर रहा है, उस बिट को होल्ड कर रहा है। तो ये अपन ने केस देखा, इस केस में कैसे ये प्रीवियस इनपुट को होल्ड कर रहा है। आई बात समझ में। अब अपन और वेरिएंट देखते हैं, सपोज है ना, और वेरिएंट देखते हैं कि क्या होता है ना, कि यदि मैं इनकी वैल्यू चेंज करूं तो क्या होगा, है ना, एस और की वैल्यू और आर की वैल्यू में चेंज करूं तो क्या होगा। ये मेरा केस टू में मान के चलूं, ठीक है, सर्किट मेरे को पता है, मैं वापस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा क्यू है, ये मेरा क्यू बार है, ये यहाँ पे इनपुट है, ये अपने को पता है कि ये आर है मेरा, ये मेरा एस है ना, ये इसको मैंने अपन वन माना था, इसको मैंने टू माना था। अब सपोज करो, अब मैं दूसरा केस देता हूँ, तब मेरा इनपुट में एस बराबर क्या वन है और आर बराबर मेरा क्या है, जीरो। ले लिया है ना, एस बराबर क्या ले लिया अपन ने, वन, और आर बराबर ले लिया जीरो। अब अपने को पिछली बार ट्रूथ टेबल से पता है, ट्रूथ टेबल अपने देखी थी ना, ट्रूथ टेबल अपने देखी थी कि इसकी नॉर गेट की, नॉर गेट की ट्रूथ टेबल के लिए क्या होता है, ए बी वाई जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो अपन ने क्या कहा था कि यदि इनपुट मेरा एक इनपुट मेरा वन है तो आउटपुट हमेशा जीरो होगा नोर गेट के केस में। तो इस गेट की मैं बात करूं, एस मेरा क्या वन है, एस वन होने का मतलब क्यू बार हमेशा मेरा क्या होगा, जीरो। यदि क्यू बार मेरा जीरो है तो ये क्यू बार वापस यहाँ पे जाएगा इनपुट में जीरो, आर मेरा जीरो है तो जीरो जीरो इनपुट होने का मतलब मेरा क्यू क्या आ गया, वन। ठीक है, आई बात समझ में, कि एस मेरा वन है, एस मेरा वन का मतलब ये टू पे मैं एक इनपुट में क्या दे रहा हूँ, वन दे रहा हूँ, वन दे रहा हूँ। तो इसका मतलब यदि मेरा दूसरा इनपुट कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू बार हमेशा मेरा क्या जीरो आएगा, तो क्यू बार मेरा क्या आ गया, जीरो। अब ये क्यू बार एज ए जीरो इनपुट में जाएगा, आर मेरा क्या जीरो है, तो जीरो जीरो जब मैं इनपुट दूँ, जीरो जीरो मैं इनपुट दिया तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, वन। तो क्यू मेरा वन आ गया, क्यू बार मेरा जीरो आ गया। अब देखते हैं कि ये जो अपना सर्किट है, क्या ये इस स्टेट को, यानी कि अब ये जो क्यू बराबर वन है, क्या इसको ये होल्ड कर सकता है। तो होल्ड कर इसका मतलब अपन मैं इनपुट हटा दूँ तो इसका मतलब कि अब मैं एस को जीरो कर दूँ और आर को जीरो कर दूँ। मतलब ये पहले मैंने ये इनपुट अप्लाई किए थे और अब इसके बाद में मैं इनपुट हटा रहा हूँ, इनपुट हटा रहा हूँ मतलब एस को मैं जीरो कर रहा हूँ, आर को मैं जीरो कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने एस को जीरो किया, तो ये जो एस को मैंने क्या किया, जीरो किया, तो जो मेरा यहाँ पे देखें एस जीरो है और क्यू मेरा क्या है, वन है। तो जब एस मेरा जीरो है और क्यू मेरा वन है, यानी कि एक इनपुट मेरा जीरो है, एक इनपुट मेरा वन है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, जीरो। तो यानी कि इसका मतलब मेरा क्यू बार मेरा क्या आ गया, जीरो। ठीक है, यदि अब क्यू बार जीरो है तो ये क्यू बार वापस यहाँ जाएगा, इस क्यू बार को अपन ने जीरो लिया और आर मेरा क्या था, जीरो। तो जीरो और जीरो के लिए अब मेरा आउटपुट क्या आ गया, ये यहाँ पे इस टेबल से जीरो और जीरो इनपुट है, आउटपुट क्या गया, वन। तो क्यू मतलब क्यू मेरा क्या गया, वन। तो यहाँ से अपन ढंग से देखें तो मेरी स्टेट क्या होगी, फिर प्रिजर्व हो गई, यानी कि वापस से मेरी क्या बन गई, मेमोरी बन गई। बनी कि नहीं बनी, कि ये जो पहले मेरे इनपुट से जो मेरा बिट आई थी, जैसे मेरे वन बिट आई थी, अब मैंने यदि इनपुट हटा भी दिए तब भी मेरे वापस से वन बिट आई है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया है। अब अपन बात करते हैं तीसरे केस की। सपोज करो मेरा केस है, थर्ड केस है, थोड़ा सा टिपिकल केस है, इसको थोड़ा ढंग से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। केस थर्ड की अपन बात करते हैं कि यदि मेरा एस भी वन है और मेरा आर भी वन है तो क्या होगा।
बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि यदि मेरा एस वन है, यानी कि इसमें मैं एक इनपुट, सॉरी इस टू गेट में मैं एक इनपुट क्या दे रहा हूँ, वन। अपने को पता है यदि अपना एक इनपुट किसी नॉर गेट का वन है तो ऑब्वियस बात है आउटपुट मेरा क्या होगा, जीरो। तो यानी कि मेरा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली यदि मैं इस गेट की बात करूँ, मेरा एक इनपुट क्या है, वन है, तो दूसरा मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, क्यू बार जीरो। तो देख रहे हो सेम नहीं आ रहा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट आउटपुट नहीं आ रहा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि ये जो है ये नॉट पॉसिबल है, यानी कि नॉट पॉसिबल आउटपुट है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, अपन इस इनपुट को यूज़ में नहीं करते, नॉट यूज्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये इस इनपुट को होल्ड करता है कि नहीं करता है वो देखते हैं अपन। कि सपोज करो मैंने पहले इनपुट 11 डाल दिया, इनपुट 11 डालने से मेरा क्या हुआ, क्यू भी जीरो आया, क्यू बार भी जीरो आया। अब यदि मैं एस बराबर जीरो कर दूँ और आर बराबर जीरा कर दूँ, मतलब इसके बाद में जब मैं केस थर्ड में मैं एस को जीरो कर दूँ और आर को जीरो कर दूँ, तो क्या होगा, एस को जीरो कर दिया मैंने, तो जो मेरा ये एस को मैंने जीरो कर दिया, यहाँ पे क्यू मेरा पहले क्या जीरो था, तो जीरो और जीरो का आउटपुट मेरा अब क्या आ गया, जो क्यू बार मेरा अब क्या आ गया, वन। ये बड़ा थोड़ा सा टिपिकल है, क्यू बार मेरा क्या आ गया, वन, ठीक है। और ये क्यू बार वापस यहाँ पे जाएगा, तो आर मेरा क्या था, जीरो है, तो जीरो और वन के लिए अब मेरा क्यू क्या आ गया, जीरो। तो यानी कि ये मेमोरी को भी होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। और यदि अपन इसका उल्टा ले, अब यदि अपन क्यू बार से स्टार्ट करें तो इसमें उल्टा केस हो जाएगा। क्यू बार से अपन स्टार्ट करें, जैसे क्यू बार की वैल्यू पहले अपने यहाँ जीरो ली थी, अब मैं जीरो ले लूँ तो यहाँ पे क्यू क्या आ जाएगा, वन, और क्यू बार मेरा क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये जो कंडीशन होती है जब अपना एस इक्वल टू वन है, आर इक्वल टू मेरा वन है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अनस्पेसिफाइड आउटपुट बोलते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं कि अपन इसको यूज़ में नहीं करते, कि एस इक्वल टू वन और आर इक्वल टू वन को अपन काम में नहीं लेते हैं, काम में नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें जो अपन इनपुट है इसके लिए अपना जो आउटपुट है वो क्या है, अनस्पेसिफाइड है। क्या है आउटपुट, क्या है मेरा, अनस्पेसिफाइड है, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अपना आउटपुट जो है क्या है, अनस्पेसिफाइड है। अब इसके बाद में मैं बात करूं कि अपन इन तीनों केसेस को मिलाएं, तीनों केसेस को मिला के अपन इसकी एक बार ट्रू टेबल देखें, तो फिर ट्रू टेबल क्या आएगी वो देखते हैं एक बार, है ना। कि जो अपन ने तीनों केसेस की बात की थी, कि मेरा जो एस और आर की जो अपन ने अलग अलग वैल्यू ली थी, ये मेरा एस है, ये मेरा आर है, सपोज करो ये मैंने नोर लेच की बात की थी, नोर लेच का मेरा सर्किट ये था, ये यहाँ से इनपुट था, ये यहाँ से इनपुट था, ये मेरा क्या था, ये मेरा आर था, ये मेरा एस था, ये मेरा क्यू था, ये मेरा क्यू बार था। यदि इस सर्किट की अपन ने बात की, तो अपन ने ये कहा मेरा ये आउटपुट है क्यू और क्यू बार। यदि मैं इनपुट की अलग अलग वैल्यू लूँ, 0001 1011, तो मेरा आउटपुट क्या था, अपने को पता है जब मेरा इनपुट 00 दिया था अपन ने यहाँ हर हर एक केस में, जब जैसे ही मैंने इनपुट 0 दिया केस लेने के बाद में, तो मेरा मेमोरी थी, जब भी मैंने इनपुट 00 दिया तो ये क्या कर रहा था, मेमोरी ले रहा था। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मेमोरी, मेमोरी का मतलब जो पहले थी, एज बिफोर, है ना। अब मैंने 01 दे दिया तो इसका मतलब क्या है, क्यू मेरा क्या था, जीरो, क्यू बार क्या था मेरा, वन। अब मैंने यदि एस इक्वल टू वन है, इक्वल टू जीरो है, तो ये मेरा क्या था, वन जीरो, और यदि वन वन था तो क्या था, नॉट यूज, ठीक है ना। तो ये हो गया ना सेट रीसेट, कि जैसे ही सेट वन है तो आउटपुट मेरा वन, रीसेट मतलब यदि रीसेट वन है तो आउटपुट मेरा जीरो। तो ये इसलिए इसको अपन आर एस फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सेट और रीसेट के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है कि मैंने तुमको बताया था, तो ये सिंपली लैच का ऑपरेशन हो गया कि कैसे एक लैच जो है एक बिट को होल्ड करती है। आई बात समझ में, कि कैसे एक बिट को होल्ड करती है। फिर अपन अभी आगे देखेंगे क्या होता है इसमें, कि ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट अलग से तो होता नहीं है, ये किसी न किसी डिजिटल सर्किट में लगा होता है, किसी से कनेक्ट होता है। तो कनेक्ट होने की वजह से यदि किसी कारण से तुम्हारा एस और आर यदि चेंज हो गया, तो चेंज होने की वजह से क्या होगा, तुम्हारा इसका मेमोरी एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो अपने को एक ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे कि अपन जब अपन चाहें तो अपने कंट्रोल इनपुट के द्वारा ही ये इसका जो मेमोरी का जो स्टेटस है वो चेंज हो, समझ रहे हो। मतलब इसका कंटेंट तभी चेंज हो जब अपन चाहें, तभी तो बात है, वरना तो ऐसे तो ये यदि सर्किट में काम करेगा तो कभी भी चेंज हो जाएगा, तो वो अपन नहीं चाहते। तो इसलिए अपन इसमें क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लॉक। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लॉक। क्लॉक बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा कंट्रोल सिग्नल होता है, इस कंट्रोल सिग्नल की हेल्प से तुम क्या करते हो, इस सर्किट को कंट्रोल करते हो। और जो ये क्लॉक्ड, तो जो तुम्हारी लैच होती है क्या होती है, क्लॉक्ड जो लैच होती है, उस क्लॉक्ड लैच को तुम क्या बोलते हो, फ्लिप फ्लॉप बोलते हो। क्या बोलते हो, फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट ए क्लॉक्ड लैच, यानी कि जो तुम्हारा लैच सर्किट है, जब उसमें तुम क्लॉक अप्लाई करते हो तो वो तुम्हारा क्या बन जाता है, एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट बन जाता है। तो ये तुम्हें एसआर लैच मेरे हिसाब से जो नॉर गेट बेस है समझ में आ गई होगी। अब तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट जो टू है, उसमें एक असाइनमेंट टू में तुम्हारा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये तुम्हें खुद करना है। तुम्हें क्या करना है कि अभी मैंने जो नॉर बेस जो लैच बताई थी, वैसे सॉरी मैं अगले पेज पर लिख लेता हूँ, कि असाइनमेंट जो टू है उसमें तुम्हें क्या करना है, अभी जो मैंने तुमको बताया अभी तक जो पढ़ाया वो तुमने नॉर बेस क्या पढ़ाई थी, लैच बताई थी। अब मैं तुमको नैंड बेस लैच बताता हूँ। तो नैंड लैच बेस में क्या होता है, यहाँ पे दो नैंड गेट होते हैं, वही ये फीडबैक होता है इधर आउटपुट से इनपुट की तरफ सेम। बस फर्क क्या होता है, ये क्यू है, ये क्यू बार है, वहाँ पे यहाँ आर था, यहाँ एस था, लेकिन इसमें उल्टा है ना, यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्या है, आर है।
आई बात समझ में? ये तुम्हारा क्या होता है, नैंड गेट, नैंड गेट बेस्ड लैच है तुम्हारी, कौन सी, एसआर लैच। तो इस एसआर लैच का तुम्हारा ये सर्किट होता है, और इसकी मैं ट्रू टेबल तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये यदि तुम्हारा एस और आर है, ये तुम्हारा क्यू और क्यू बार है, यदि तुम्हारा 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है, तो ये तो तुम्हारी होती है नॉट यूज्ड, ये होती है तुम्हारी 1 0, ये होती है 0 1, और ये होती है तुम्हारी मेमोरी, मतलब एज बिफोर। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस सर्किट का ऑपरेशन, जैसे मैंने केस वाइज बनाया था ना कि एस यदि 0 हो, आर 0 हो, तो वैसे तुम्हें क्या करना है, इस सर्किट का पूरा ऑपरेशन एक या तो बुक में लिख के, कॉपी में लिख के, या फिर वीडियो बना के, जैसे तुम्हारी इच्छा हो तुम्हें ग्रुप पे पोस्ट करना है। तो ये तुम्हारा असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन 1 है, ठीक है, ये सबको करना है और करके सबमिट करना है, ठीक है, और इसकी डेडलाइन 1 हफ्ते की रहेगी। ओके, इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है।